हेलो एवरीवन, आज हम मूंग दाल से दो डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज बनाएंगे, जिसमें कि एक मूंग दाल का चीला है और दूसरी इडली। तो पहले हमने रात को मूंग दाल को भिगो लेना है, सुबह उसे पीसते वक्त उसमें अदरक और हरी मिर्ची डाल के उसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। और उसमें अब हमने एक छोटा सा प्याज डाला है और थोड़ा सा सॉल्ट डाला है। और देखिए, हम अब इसे चीला रेडी कर रहे हैं। चीला बहुत क्रिस्पी बनता है और ये फुल ऑफ प्रोटीन है। इसे आप दही के साथ सर्व कर सकते हो। अब हम इसकी दूसरी रेसिपी बनाएंगे, जो कि है इडली। इडली के लिए हम सेम बैटर लेंगे, इसमें कुछ भी ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं है। अगर चाहते हो तो थोड़ी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो अपनी पसंद की। और अब हम पानी को थोड़ा सा बॉयल होने रख देंगे और सांचो को घी के साथ ग्रीस कर लेंगे। और अब हम इसमें बैटर को पोर करने से जस्ट पहले इनो का एक सैशे डाल लेंगे और उसमें उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालकर इसे एक्टिवेट कर देंगे, इसे अच्छे से मिक्स करके। और अब हम इसमें सांचो में भर देंगे। सांचों में भर के अब हम इसे स्टीम करने के लिए रखेंगे और स्टीम हम इसे 20 से 22 मिनट के लिए करेंगे। तो आफ्टर 22 मिनट्स हम अब इसे चेक करेंगे। देखिए, इडली बिल्कुल रेडी हैं, स्टीम हो चुकी हैं, बहुत बढ़िया बनी है, बिल्कुल सॉफ्ट, गरम गरम और बिल्कुल बहुत हाई प्रोटीन ये डाइट है। ये बिल्कुल आपको फिल कर देगी बहुत अच्छे से, ये आपका प्रोटीन कंटेंट पूरा करती है। आप इसे एज इट इज़ भी खा सकते हैं और तड़का भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें थोड़ा सा देसी घी डाल लेंगे और उसमें हींग डालेंगे और काली सरसों डालेंगे और थोड़ी सी रेड चिली डाल के और खूब सारा कड़ी पत्ता डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करके और ऊपर से हम इसमें इडली डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे और गर्मा गर्म सर्व कीजिए, चाहे चटनी के साथ, चाहे सांभर के साथ। और यू विल इन्जॉय दिस। थैंक यू।